हेलो फ्रेंड्स, नीलम कश्यप ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ नीलम। तो दोस्तों, सर्दियों के मौसम में ड्राई फ्रूट्स की पंजीरी खाने का अलग ही मजा है। इस मौसम में गर्म तासीर वाले फूड आइटम्स काफ़ी बनाए और खाए जाते हैं। गोंद के लड्डू हो या फिर तिल की चिक्की हो या फिर गच्चक हो, ऐसे सभी फूड आइटम्स की काफ़ी मांग रहती है। सर्दियों में ज़्यादातर घरों में दादी नानी की स्टाइल की पंजीरी भी काफ़ी पसंद की जाती है। इस फूड डिश की खासियत ये है कि ये खाने में जितनी स्वादिष्ट लगती है ना, सेहत के लिए भी उतनी ही फायदेमंद होती है। आपने भी कभी न कभी इसका स्वाद ज़रूर लिया होगा। अगर ड्राई फ्रूट्स पंजीरी आपने अब तक घर पर नहीं बनाई है ना, तो इस विंटर सीजन में इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। तो हम आपको इसे बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहे हैं, तो इसे फॉलो करके आप स्वादिष्ट ड्राई फ्रूट्स पंजीरी आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ये ड्राई फ्रूट्स उतने ही लिए हैं मैंने जितने कि हमारे घर पर पसंद किए जाते हैं। और कुछ मैंने गोंद ली हैं, दो तीन तरह की गोंद है यहाँ पर। और एक यहाँ पर कमरकस है, काजू है, बादाम है, छुहारे हैं। और छुहारों को हम इस तरह से काट कर इसके बीज को जो है वो अलग कर लेंगे। नारियल लिया है हमने सूखा, उसको हमने इस तरह से कद्दूकस करके रख लिया है। काजू, बादाम, किशमिश, छुहारे और गोंद है, कमरकस है। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स हमने यहाँ पर लिए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ग्राइंड करने का काम कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर बादाम को ग्राइंड कर लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर हमें इसका नहीं बनाना है, हल्का दरदरा ही पीस कर हमें इसे तैयार करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे दरदरा सा कूट लिया है। तो इसी तरह से हम सारे बादाम को जो है वो दरदरा कूट लेंगे। तो अब हम यहाँ पर काजू को भी दरदरा पीस लेंगे यहाँ पर। तो हमारा जो काजू है वो भी दरदरा पिस चुका है। तो अभी हम छुहारे, इसके सीड हमने पहले ही अलग कर लिए थे, तो अब हम इसे भी दरदरा पीस लेंगे। तो चलिए कढ़ाई रख दी है हमने, कढ़ाई में हमने घी डाल दिया है। तो यहाँ पर मैंने गाय के देसी घी का इस्तेमाल किया है। और आजकल सर्दियों में घी ना बहुत जम जाता है, तो उसको निकालना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ पर हमने शुद्ध देसी गाय का घी लिया हुआ है, तो इसको हमने कढ़ाई में डाल दिया है और इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा घी गरम हो चुका है, तो हम इसमें पहले सबसे पहले गोंद को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे गोंद हमारी फ्राई हो चुकी है और अब हम यहाँ पे डाल देंगे दूसरी वाली गोंद, क्योंकि तीन तरह की गोंद हम लाए थे और ये हमने दूसरी गोंद डाल दी है। और इसको भी हम अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद इसको निकाल लेंगे। तो गोंद हमारी फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसको भी बर्तन में निकाल लेंगे। तो इसी घी में हम कमरकस डाल देंगे और इसको भी हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कमरकस भी भून चुका है, तो हमने इसे भी निकाल दिया है। और उसी कढ़ाई में अब हम डाल देंगे किशमिश, और किशमिश को फूलने तक हम इसमें फ्राई करेंगे। तो दोस्तों, किशमिश हमारी बहुत अच्छे से फूल गई है और बहुत अच्छे से पक गई है, तो अब हम इसको भी निकाल लेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप इसमें अलसी के बीज भी डाल सकते हैं, अखरोट भी आप इसमें डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसमें मखाना भी डाल सकते हैं। मखाना जो है वो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, हमारे जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अब इस कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी और डालेंगे और घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो घी हमारा गर्म हो चुका है और अब हम इसने काजू जो पीसे हुए रखे थे ना वो डाल दिए हैं। अगर आप चाहें तो इन्हें साबुत भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन उसमें घी की थोड़ी कमी रह जाती है, तो इसलिए मैंने पीसने के बाद इनको जो है वो घी में जो है वो फ्राई किया है। तो हमारे काजू जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इनको निकाल लेंगे और सेम कढ़ाई में घी डालेंगे। और इसमें हम डाल देंगे अपना जो छुहारा था ना, उसको दरदरा हमने कूट के रखा हुआ था, तो हम उसको डाल देंगे इसमें और इसको अच्छी तरह से घी में पका लेंगे। दोस्तों, हमारे छुहारे जो हैं वो यहाँ पर भून चुके हैं, तो अब हम इनको निकाल लेंगे। सेम कढ़ाई में हम घी डालेंगे और घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो यहाँ पे हमारा घी जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है, तो हम इसमें डाल देंगे अपना घिसा हुआ नारियल। तो यहाँ पर मैंने घिसा हुआ नारियल डाल दिया है, तो इसको हम बहुत अच्छे से पका लेंगे यहाँ पर ब्राउन होने तक, हल्का ब्राउन होने तक। तो दोस्तों, नारियल हमारा यहाँ पर भुन चुका है। नारियल को तब तक पकाना है जब तक उसके हल्की हल्की खुशबू ना आने लग जाए। तो नारियल हमारा यहाँ पर भुन चुका है, हमने उसको निकाल दिया है और सेम कढ़ाई में हमने घी डाल दिया है। तो घी को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। घी गर्म हो गया है, तो अब हम डाल देंगे यहाँ पर अपने पीसे हुए बादाम का पाउडर और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे।
तो दोस्तों बादाम यहाँ पर भुन चुके हैं, तो अब हम इनको निकाल लेंगे, क्योंकि बादाम और जिन भी चीज़ों की क्वांटिटी ज़्यादा थी उनको मैंने दो दो बार यहाँ पे भून लिया है। मतलब कढ़ाई हमारी छोटी है तो एक बार में ही सारी चीज़ें भून पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैंने बादाम को दो बार भूना है आधा आधा करके। तो दोस्तों हमने यहाँ पर सारी चीज़ों को घी में फ्राई कर लिया है और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है और कढ़ाई में मैंने डाल दिया है सौंठ पाउडर लगभग एक बड़ा चम्मच, या आप अपनी पंजीरी की क्वांटिटी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब इसको हल्का सा भून लेना है, लेकिन चलाते रहना है लगातार, ये जलनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ये भून चुकी है और अब हम इनमें बादाम डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों हमारा जो कढ़ाई है ना वो छोटी थी, इसलिए हमने परात में ये सारी चीज़ें डाल दी हैं और अब हम इसमें सारी चीज़ों को डाल के मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से। और चीनी डालेंगे हम ऊपर से, तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को डाल लेंगे। तो ये देखिए छुहारे मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। तो फ्रेंड्स सारी चीज़ों को हमने इसमें डाल दिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमने कमरकस को भी मिक्सी में पीस लिया है घी में फ्राई करने के बाद, तो इसको भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को डालने के बाद हमने जो चीनी को पीस के रखा था ना उसको भी हम इसमें मिला देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए चीनी जो है वो मैंने इसमें डाल दी है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए हमने इसको मिक्स कर दिया है और अब हम इसे एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख लेंगे और पूरी सर्दियां हम इसको इंजॉय करेंगे। और इसे दूध के साथ खाना ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है और ये बहुत ही हेल्दी होती है। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में हम इसे